नमस्कार दोस्तों एवं हमारे प्यारे बच्चों। दोस्तों आज मैं आपको सबसे छोटे अबैकस, सबसे छोटे वाले अबैकस पर काउंटिंग करना सिखाऊंगी और कैलकुलेशन करना सिखाऊंगी। पिछले बार मैंने आपको बड़े वाले स्टूडेंट अबैकस में काउंटिंग करना सिखाया था और इसके सारे पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। हमारे जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 से 8 साल की है, उन्होंने मुझे कमेंट्स में लिखा है कि मैं उनको छोटा वाला अबैकस सिखाऊं, और कुछ बच्चों ने मुझे डायरेक्ट फ़ोन किया है कुछ स्कूल से कि मैम आप मुझे सबसे छोटा वाला अबैकस चलाना सिखाएं। तो दोस्त मेरे, बड़ा वाला अबैकस और छोटा वाला अबैकस दोनों एक ही चीज़ है और दोनों में कैलकुलेशन एक ही जैसे किए जाते हैं, लेकिन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ने मुझसे कहा है कि मैं उनको छोटा वाला अबैकस चलाना सिखाऊं, तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो मैं अपने छोटे बच्चों की मम्मी, उनके पापा, उनके गार्जियंस और उनके बड़े भाई बहन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो भी मेरे इस बनाए गए वीडियो को ध्यान से देखें और सीखें कि इस छोटे वाले अबैकस को कैसे चलाना सीखते हैं। क्योंकि हमारे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 4 से 8 साल की होती है, वे बहुत छोटे होते हैं, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, अपने आईज को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और अपने बॉडी का भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना पाते। वो कभी भागकर इधर जाएंगे, कभी उधर भागकर जाएंगे और वीडियो को भी पूरी तरह ध्यानपूर्वक नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर उनके मम्मी पापा, उनके पेरेंट्स, गार्जियन, बड़े भाई बहन अगर बच्चों की थोड़ी सी मदद कर दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आइए पहले हम जानते हैं कि ये जो हमारा सबसे छोटा वाला स्टूडेंट्स अबैकस है, इसके सारे पार्ट्स को क्या कहते हैं। तो देखिए देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखिए। ये है हमारा मिनी अबैकस। इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे बिड्स लगे हुए हैं। तो आप जो ये बिड्स देख रहे हैं, ये जो हमारे जो नीचे के बिड्स हैं, जो हमारे नीचे के बिड्स हैं, इसको हम लोअर बिड्स कहते हैं। और ये जो ऊपर के बिड्स देख रहे हैं, जो ब्लू कलर्स के हैं, ये जो हमारे ऊपर के बिड्स हैं, इसे हम अपर बिड्स कहते हैं। आप बीच में एक देख रहे होंगे कि एक सेंटर बार है, ये सेंटर बार है जो बीच में आप देख रहे हैं, ये सेंटर बार है। इसे हम फॉर्मूला बार भी कहते हैं और इसे आंसर बार भी कहते हैं। इसे आंसर बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आंसर बार में कोई भी बिड्स जब तक इस आंसर बार को टच नहीं करता, उसकी वैल्यू 0 होती है। फिर से सुनिए, जब तक कोई भी बिड्स इस आंसर बार को टच नहीं करता, उसकी वैल्यू 0 होती है। और जैसे ही कोई बिड्स हमारे आंसर बार को टच करता है, उसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे ये देखिए, ये आंसर बार में मैंने एक बिड्स को टच किया तो इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1। एक और बिड्स को टच किया तो इसकी वैल्यू हो गई 2। इसीलिए हम इसे आंसर बार कहते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जब हम अबैकस को चलाना स्टार्ट करते हैं,
अबैकस मीन्स हमारा कैलकुलेटर, अबैकस मीन्स हमारा कैलकुलेटर। जब आप कोई कैलकुलेटर को ऑपरेट करते हैं यानी कैलकुलेटर को चलाते हैं कोई ऐड सबस्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो हमें कैलकुलेटर को पहले जीरो पर रीसेट करना होता है। उसी तरह जब हम इस अबैकस को चलाना शुरू करते हैं, हमें कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले हमें इसे रीसेट करना होता है। जैसे देखिए, ये हमारा बिट्स है और ये सारे बिट्स इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो हमें इसे रीसेट करने के लिए क्या करना होगा? रीसेट करने के लिए हमें, ये हमारा थंब है और ये है हमारा इंडेक्स फिंगर, तो हम अपने थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से आंसर बार को स्क्रॉल करते हुए एक साइड से दूसरे साइड तक जाएंगे। तो आप देखेंगे कि एक बार में ही हमारे सारे बिट्स सेट हो गए। चलिए फिर से देखते हैं, हमने सारे बिट्स को खराब कर दिया, उल्टा पलटा कर दिया। अब हमें इसे रीसेट करना है, तो हम क्या करेंगे? अपने थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से एक पिंच बनाएंगे और इसे वन साइड से स्क्रॉल करते हुए दूसरे साइड तक जाएंगे और इस तरह से हमारा अबैकस सेट हो जाएगा। समझ गए? अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे इस अबैकस में छोटे छोटे बिट्स दिए, छोटे छोटे डॉट्स दिए गए हैं। ये देखिए, वन डॉट, टू डॉट, थ्री डॉट, ये छोटे छोटे डॉट दिए गए हैं। ये जो हमारा डॉट्स है, ये इसलिए दिया गया है ताकि बच्चों को ये याद रहे कि हमने कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट किया था, बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो। और जब भी आप कैलकुलेशन स्टार्ट करें या काउंटिंग स्टार्ट करें, तो डॉट के पास से ही स्टार्ट करें। डॉट के पास से स्टार्ट करने से आप भूलेंगे नहीं और आपकी काउंटिंग या आपकी कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होगी। तो आइए हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग नीचे वाले जो हमारे बिट्स हैं, तो काउंटिंग करने के लिए हमें नीचे वाले बिट्स को ऊपर करना होता है, तो नीचे वाले बिट्स को अप करने के लिए हमें थंब का यूज करना है। जैसे देखिए, वन टू थ्री फोर, हमने नीचे वाले बिट्स को अप करने के लिए थंब का यूज किया और इसे डाउन करने के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे। ए है हमारा इंडेक्स फिंगर, डाउन, इस तरह इसे डाउन करने के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे, अप करने के लिए थंब का यूज करेंगे, वन टू थ्री फोर, और डाउन करने के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे, अप करने के लिए थंब का यूज करेंगे, वन टू थ्री फोर, और डाउन करने के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे। समझ गए? तो चलिए हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से अपने अबैकस को हम रीसेट करेंगे। अपने थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से एक पिंच बनाएंगे और वन साइड से लेकर दूसरे साइड से स्क्रॉल कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। अब इसे डाउन करेंगे और ए हो गया हमारा फाइव। हमने आपको बताया था कि ऊपर के बिट्स को फाइव कहते हैं, ऊपर के जितने भी बिट्स हैं, ऊपर के जितने भी बिट्स हैं सबकी वैल्यू फाइव है, और नीचे के जितने भी बिट्स हैं सबकी वैल्यू वन टू थ्री फोर।
तो ये हो गया हमारा 5। फिर से करते हैं 1, 2, 3, 4। इसे डाउन किया और ए हो गया, इसे हम आंसर बार में टच किए ऊपर वाले बिट्स को, तो इसकी वैल्यू हो गई 5। हमने बताया था ना आपको कि कोई भी बिट्स हमारे आंसर बार को टच करता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है। तो ए हमारा 5 हमारे आंसर बार को टच किया तो इसकी वैल्यू हो गई 5। ए हो गए 6, ए हो गए 7, 8, 9। अब इसे सेपरेट करने के लिए, ये जो दोनों ये जो बिट्स देख रहे हैं इसे सेपरेट करने के लिए, एक साथ सेपरेट करने के लिए अपने थंब और अपने इंडेक्स फिंगर की मदद से एक साथ दोनों के बीच में ऐसे करेंगे और दोनों को एक साथ सेपरेट कर लेंगे, अप वाले को अप और डाउन वाले को डाउन। फिर से करते हैं 1, 2, 3, 4 डाउन, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमें 10 करना है तो 10 करेंगे 1 और 0, 1, 0, 10। ये हमारा जहां आप डॉट देख रहे हैं ये हमारा 1s है और डॉट के बगल में हमारा 10s है, उसके बगल में हमारा 100 है और उसके बगल में हमारा 1000 है। तो ये हो गया हमारा 1, 0, 10, 1, 0, 10। एक बार फिर से हम लोग करते हैं 1, 2, 3, 4 डाउन, 5, 6, 7, 8, 9। इसे सेपरेट कर लेंगे और ए हो गया हमारा 1, 0, 10। 11, 12, 13, 14 1, 4, 14, 1, 5, 15 1, 6, 16 1, 7, 17 1, 8, 18 1, 9, 19 ये हमारा 1 हो गया। और आप देख पा रहे हैं ऊपर 5, 6, 7, 8, 9 यानी 1, 9, 19 1, 9, 19 के बाद क्या होगा 2, 0, 20 2, 0, 20 के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे जो 9 के बिट्स हैं उसे हम सेपरेट कर लेंगे और ये हो गया हमारा 2 और 0। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई बिट्स नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। तो 2 और 0, 2, 0, 20। अब करते हैं 21, 22, 23, 24 डाउन, 25, 26, 27, 28, 29 अब इसे हम सेपरेट कर लेंगे। ए हो गया हमारा 30, 31, 32, 33, 34 डाउन, 35, 36, 37, 38, 39 अब इसे सेपरेट करेंगे और ए हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 40 41, 42, 43, 44 डाउन, 45, 45, 46, 47, 48, 49 ये हो गया हमारा 49, 49। अब हमें करना है 50, 50। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 9 को सेपरेट कर लेंगे और ये हमारा 40 जो 40 है इसे भी सेपरेट कर लेंगे और ये हो गया हमारा 50, 50। हमने आपको बताया था ना कि ऊपर के सारे बिट्स की वैल्यू 5 होते हैं, तो ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया 0, 50, 50, 51, 52, 53, 54 अब इसे डाउन करेंगे, ये हो गया हमारा 55, 55। ये दोनों 5 हमारे आंसर बार को टच कर रहा है, 55, 56, 57, 58, 59। अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे और ये हो गया हमारा 60, 60, 61, 62, 63, 64 डाउन, ये हो गया हमारा 65, 66, 67, 68, 69। अब इसे सेपरेट करेंगे, ये हो गया हमारा 70, 70, 71, 72, 73, 74
डाउन 75, 5, 6, 7 और ये हो गए हमारे 5, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 5, 6, 7, 8, 80, 80, 81, 82, 83, 84, डाउन 85, 86, 87, 88, 89, अब इसे सेपरेट करेंगे, ए हो गया हमारा 90, 90, 5, 6, 7, 8, 9 और ए हो गए 0, 90, 90, 91, 92, 93, 94, डाउन 95, 96, 97, 98, 99, ये हो गए हमारे 99, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, अब आप देखेंगे कि हमारा जो ये जो है जहाँ ये जो डॉट्स वाले जो बिट्स हैं, जो डॉट्स वाला जो हमारा रो है, ये हमारे वंस को रिप्रेजेंट करता है और उसके बगल वाले जो बिट्स हैं ये हमारे टेंस को रिप्रेजेंट करता है, उसके बगल वाले 100 को और उसके बगल वाले 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गए हमारे 99, 5, 6, 7, 8, 9 और इधर के जो बिट्स हो गए ये हमारे हो गए 50, 60, 70, 80, 90। तो 90 और 9, 9, 9, 99। अब हमें 100 करना है तो क्या करेंगे, इसे सेपरेट कर लेंगे, वंस को से भी सेपरेट कर लेंगे, ये जो हमारा टेंस का रो है इसे भी सेपरेट कर लेंगे और ये हो गया हमारा 100। आप देख रहे हैं 1 के बाद ये जो हमारा हमने यहाँ इस डॉट के पास से स्टार्ट किया था, तो ये जो दोनों रो हैं यहाँ पर कोई भी बिट्स हमारे आंसर बार को टच नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारे 2 जीरो हो गए और इसकी वैल्यू हो गई 100, यानी 100, 100। तो आज हमने 100 तक अबैकस में काउंटिंग करना सीखा। तो ये जो हमारा मिनी अबैकस है इसमें टोटल 7 रॉड होते हैं, देखिए 1 रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड, 4 रॉड, 5 रॉड, 6 रॉड, 7 रॉड और इससे छोटा हमारा कोई भी अबैकस नहीं होता। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस मिनी अबैकस पर काउंटिंग करना सिखाया है। तो आप इस वीडियो को दो तीन बार आप कंटिन्यू देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप नंबर में मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं और वीडियो कॉल करके मुझसे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। देखिए इसमें हमारे एकेडमी का नेम भी राइट किया हुआ है, इसमें लिखा है ब्रेनवेव अबैकस और इसमें मेरा फ़ोन नंबर भी मेंशन किया हुआ है। तो किसी भी तरह की कोई डाउट होने पर आप बेहिचक मुझे फ़ोन करें और अपना सॉल्यूशन मुझसे ले लें। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो को इतना ध्यान से देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।